हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। द प्रोसेस ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसको ही बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। द बीटा ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स थ्री स्टेजेस। जो बीटा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड्स का, इसमें थ्री स्टेज फॉलो की जाती हैं। फर्स्ट जो आपका है वो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन साइटोसोल। पहले आपका क्या होता है कि फैटी एसिड्स का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोसोल में। सेकेंड जो स्टेज है इसमें क्या होता है, जब ये एक्टिवेशन हो जाता है, एक्टिवेटेड जो फैटी एसिड होती है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड द फाइनल प्रोसेस जो है बीटा ऑक्सीडेशन, जो कि क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। एंड आज हम यही पढ़ेंगे। सो इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो आपका ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, बेसिकली क्या है, इसमें फैटी एसिड का ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में। किस में बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये एरोबिक प्रोसेस होती है और ये बेसिकली कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। एंड आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ये क्या होता है, इस एसिटाइल कोएंजाइम को, ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल में एंटर करती है। तो वहाँ से आपका ये क्रेब साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली थ्री स्टेजेस होती हैं, वो आप याद कर लेना। फर्स्ट एक्टिवेशन, सेकेंड इज़ ट्रांसपोर्ट, थर्ड इज़ आपका बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, ये आपका पूरा ये प्रोसेस है जो अभी मैंने आपको डिटेल में बताया कि एक्टिवेशन होता है, फिर आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, फिर बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो एक स्टेप वाइज चलता रहता है। पहला है फैटी एसिड, क्या है कि फैटी एसिड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम में। तो फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड को पहले साइटोसोल में, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोसोल में। तो पहले क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेटेज की हेल्प से ये फैटी एसिड किस में बनाएगा, फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम बनेगा। अब ये एसाइल कोएंजाइम बनेगा, लेकिन एसाइल कोएंजाइम एक ऐसा एंजाइम है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि जो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है वो कुछ एंजाइम के लिए परमिएबल ही होती है, सबके लिए नहीं होती। तो इसको अब क्या है, किसी और की ज़रूरत पड़ रही है। अब ये क्या करेगा, कार्निटिन के साथ क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, और फिर तब जाके माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंटर करेगा, क्योंकि अपने आप ये नहीं जा सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सब ही एंजाइम्स के लिए परमिएबल नहीं होती, किसी भी मतलब सभी प्रोडक्ट के लिए परमिएबल नहीं, कुछ ही ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए ही परमिएबल होती हैं। तो ये एसाइल कोएंजाइम है, कोएंजाइम के लिए ये परमिएबल नहीं है। अब ये क्या है, कार्निटिन के साथ क्या करेगा, अब ये प्रोडक्ट बनाएगा और एसाइल कार्निटिन बनेगा। एसाइल कार्निटिन क्या है, अब ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। अभी तक ये साइटोसोल में था, माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंटर कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये एसाइल कार्निटिन ब्रेक डाउन होगा इसका, अब ये एसाइल कोएंजाइम बनाएगा और कार्निटिन बनाएगा। ये कार्निटिन जो है, ये एसाइल कार्निटिन ट्रांस लोकेज एंजाइम के थ्रू से फिर क्या होता है, ये बाहर कार्निटिन बनाता है, यानी ये प्रोडक्ट बना रहा है एसाइल कोएंजाइम का, यहाँ पे जा रहा है। तो ये एसाइल कोएंजाइम तो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये एसाइल कोएंजाइम क्या है, अब यहाँ से ये आपके मैट्रिक्स में, यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये आपका बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ से एसाइल कोएंजाइम जो है, एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से टू एनॉइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे FADH2 बनेगा यहाँ पे। और ये क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि टू एनॉइल कोएंजाइम बन गया। अब ये टू एनाइल कोएंजाइम क्या होगा, थ्री बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके हेल्प से, ये एंजाइम जो है एनाइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज की मदद से, ये क्या होगा, ये बीटा थ्री हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से ये प्रोसेस आगे जाएगी और यहाँ से हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोनेज की हेल्प से ये क्या होगा, यहाँ पर ये थ्री बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, NAD+ क्या है, यहाँ पे कन्वर्ट होगा NADH और H+ बनाएगा, ठीक है। अब ये जो बना, ये बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम है, ये या तो एसाइल कोएंजाइम ट्रांसफरेज, ये सही है, एसाइल कोएंजाइम ट्रांसफरेज की हेल्प से क्या होगा, ये दो पार्ट में
चेंज हो जाएगा। जैसे कि पहला ये बनाएगा फैटी एसाइल कोएंजाइम बनाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, क्या हुआ यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम बन गया। और ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा, अब ये क्रेब साइकिल में एंटर करेगा और यहाँ से आपकी टीसीए साइकिल यानी क्रेब साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ओवरऑल प्रोसेस थी बीटा ऑक्सीडेशन की, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।